नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और जैसे जैसे आपका एग्जाम खत्म हो रहा है, ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया है, अब दो चार दिन और पेपर बचे हैं, कुछ एक बच्चों के ही पेपर बचे हैं, ठीक है। तो अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि सर कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा, अब हम करें तो करें क्या बैठ के। तो देखो, इस समय तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगा, बहुत मजेदार वीडियो लाऊंगा, ठीक है ना, कि तुम्हें इस समय क्या करना चाहिए। बैठ के पिक्चर देखना चाहिए, बैठ के इंस्टाग्राम चलाना चाहिए, या क्या डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना चाहिए, ये सारी चीजें बताऊंगा। पर यह वीडियो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अब क्या होगा, जैसे ही रिजल्ट आएगा, जो कि अभी एक डेढ़ महीना ऑलमोस्ट लगेगा, ठीक है, रिजल्ट आते ही तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे सीयूईटी के, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपना पोर्टल ओपन करेगी काउंसलिंग के लिए, ठीक है। सारे यूनिवर्सिटीज में मिनिमम कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है ही आपको, ये डॉक्यूमेंट्स लगने ही हैं, ठीक है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स तुम अभी से बनवा के रख लो, क्योंकि एकदम खाली बैठे हुए तुम, तो तुम्हारे लिए बहुत आसान है, ठीक है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो तुम्हें काउंसलिंग में लगेंगे, कॉलेज के एडमिशन में सीयूईटी एग्जाम देने के बाद, उसकी लिस्ट मैं आज बताने जा रहा हूं। ये एक और कुछ कुछ यूनिवर्सिटी कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स भी मांग लेती है, वो ऑन द स्पॉट ही बन जाता है, तो उसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है कि सर ड्यू के लिए और क्या अलग से बनवाना है। तो वो जो भी मांगती है, एक बेसिक मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बता दे रहा हूं जो लगते हैं काउंसलिंग में, उसके अलावा जितने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो ऑन द स्पॉट बन जाएंगे, और वीडियो बना के हम लोग अलग अलग काउंसलिंग के लिए बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए, देखिए कि जब आपका सीयूईटी का स्कोर आएगा, ठीक है ना, तो वो आपका स्कोर कार्ड इंपॉर्टेंट होगा, जो कि आपका आएगा, ये भविष्य के गर्भ में है, आपके पास से नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको रखना पड़ेगा हर जगह, ये नीडेड होगा, ठीक है ना आपका, क्योंकि उसमें क्या होता है, स्कोर कार्ड लिखा रहता है, वो स्कोर कार्ड ही होता है, एक्चुअली रैंक नहीं होती है सीयूईटी में कोई भी, क्योंकि बहुत अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के परसेंटाइल आता है, और परसेंटाइल में भी आपका इक्वी परसेंटाइल मेथड से निकाल के परसेंटाइल आता है, ठीक है। दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्लास टेंथ की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। अब देखो क्या होता है कि अगर ध्यान से सुनना, ठीक है ना, किसी ने स्टेट बोर्ड से पास किया होगा, ठीक है, कुछ कुछ स्टेट्स में पासिंग सर्टिफिकेट अलग होता है और मार्कशीट अलग होता है, लेकिन आज के डेट में मोस्टली पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही पे आता है। कैसे पता चलेगा एक ही पे है, जब आप उसको ओपन करोगे, देखोगे पीडीएफ या जो तुम्हारे पास ओरिजिनल कॉपी होगा, तो उसमें लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है कि क्लास टेंथ पासिंग मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट। तो अगर उस पर लिखा है पासिंग सर्टिफिकेट, मतलब वो एक ही डॉक्यूमेंट आपका काम चल जाएगा, नहीं लिखा है तो आप अपने स्कूल में जाइए, पासिंग सर्टिफिकेट की भी डिमांड करिए, फिर जैसा बताते हैं उसके हिसाब से करिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्यों, क्योंकि इसी से आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है, मतलब बर्थ किस दिन आपका हुआ है, यही से आपका आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ होगा, जो हाई स्कूल के मार्कशीट में होगा, और जो सारे डॉक्यूमेंट्स में और भी अगर होगा, वो सारे एक ही होने चाहिए, सबसे पहली चीज। दूसरा, नाम वाम आपके, आपका नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, जो आधार कार्ड में होगा और जो टेंथ के मार्कशीट में होगा, वो सेम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लास ट्वेल्थ की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, ये भी एक ही में आता है, अब सभी ऑलमोस्ट सारे बोर्ड्स का आता है, ठीक है। तो इसमें आपका अभी रिजल्ट तो सबका आ ही चुका होगा, कोई ऐसा नहीं होगा हमें लगता है बोर्ड जिसका रिजल्ट ना बाकी हो, तो ये भी आप जुटा के अपने स्कूल से जाके इकट्ठा करके ले सकते हैं, ये दोनों चीज आपके स्कूल से मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद ग्रेजुएशन मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट, ये उनके लिए जो सीयूईटी पीजी का एग्जाम दिया है, ठीक है ना, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है, हमने इसमें इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। तो ये ओनली जिन्होंने सीयूईटी पीजी का एग्जाम दिया है उनके लिए, किसके लिए है, सीयूईटी पीजी का जिन्होंने एग्जाम दिया उसके लिए, ठीक है। उसके बाद अगला क्या चाहिए आपको, ट्रांसफर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, दोनों चाहिए, ध्यान सुनना। ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहां से मिलता है, आपके स्कूल से मिलता है, ठीक है ना, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके स्कूल से ही मिलेंगे, ठीक है। आप जाइए स्कूल में, बोलिएगा हमको टीसी चाहिए, तो टीसी बना के आपको दे देंगे। अगर आपकी टीसी कहीं जमा है, ठीक है ना, आपके पास नहीं है, आपका खो गया, तो भी आप स्कूल जाइए, बोलिए हमें डुप्लीकेट टीसी चाहिए, दूसरा हमारा खो गया, तो वो आपको बना के देंगे, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट की नीड तब पड़ती है जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या दूसरे तरीके के बोर्ड्स में एडमिशन लेते हैं, जैसे आप किसी दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे तो आपको नीड पड़ेगी, ठीक है ना। तो माइग्रेशन भी आप लेके रख लीजिएगा, ये भी स्कूल से ही मिल जाता है आपके लेवल पे, ठीक है ना। नहीं अगर स्कूल से मिलेगा तो स्कूल वाले बताएंगे क्या प्रोसीजर है, वहां से जाके ले लीजिएगा, ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की नीड नहीं होती है, ठीक है ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कभी कभी चाहिए होता है किसी किसी कॉलेजेस में, उसका वो एक फॉर्मेट देते हैं, ठीक है ना, उसमें कुछ नहीं करना होता, आपको बस खुद से साइन कर देना होता है, मतलब इसको आप कह सकते हैं एफिडेविट कह सकते हैं या अंडरटेकिंग कह सकते हैं, इसको अंडरटेकिंग कह सकते हैं,
हैं कि मेरा करेक्टर ठीक है, मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल रहा है, मैंने कहीं चोरी डकैती नहीं की है, ये सब लिखा रहता है। कहीं कहीं मांगते हैं, मेन मेन कॉलेजेस में नहीं मांगते, लेकिन कहीं कहीं। तो ये आपको बनवाना नहीं है, ऑन द स्पॉट मिलेगा, ये भी मिल जाएगा। हमने जितना हो सकता था हमने रखने की कोशिश किया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको किसी तरह का कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं या पीएच कैटेगरी से, तो आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कैटेगरी सर्टिफिकेट रीसेंट होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीसेंट का मतलब क्या है कि मार्च के बाद का होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे ड्यू में मांगा हुआ है, ठीक है, कि 31 मार्च के बाद का होना चाहिए, तो आपके बाद उसके बाद का आपके पास बना होना चाहिए। समझे इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपके पास पुराना कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आप जाइए बनवा लीजिए, सफिशियंट समय है। बाद में मत कहिएगा कि सर हम बनवा नहीं पाए, नहीं हो पाए, पहले ही बता दे रहा हूं। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जिसको बोलते हैं, ठीक है, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, ठीक है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम सर्टिफिकेट भी बनेगा आपका, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनेगा आपका, ये भी, ये सारी चीजें आपके तहसील से बनती है, कैटेगरी और इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है ना। और ये सारी चीजें तहसील से बनेंगी, तहसील जाइए, ब्लॉक जाइए, प्रखंड जाइए, जहां भी आपका जो होगा, नगर निगम होगा, वहां जाइए, बन जाएगा। बनवा रहे होंगे आपको पता होगा, ठीक है। डोमेसाइल सर्टिफिकेट की आपको नीड नहीं है किसी भी तरह की, ठीक है ना, इसलिए हमने लिख दिया इफ अप्लीकेबल, ठीक है। कई बच्चे पूछते हैं क्या निवास प्रमाण पत्र चाहिए, क्या हमें निवास की कोई जरूरत नहीं, कहीं भी किसी कॉलेज में मैंडेटरी अभी तक हमने नहीं देखा है डोमेसाइल का, ठीक है। दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है पासपोर्ट साइज फोटो, जो आपने फॉर्म में भरा था वही फोटो आप 8-10 कॉपी, 16 कॉपी करा के रख लीजिएगा, क्योंकि आगे जाएंगे जब तो वही फोटो लगता है हर जगह। अगर आएंगे आप, जब एडमिशन हो जाएगा, पेमेंट वेमेंट करके जब कॉलेज जाएंगे तब लगता है उस समय, ठीक है ना। उसके बाद अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट चाहिए किसी यूनिवर्सिटी के लिए, तो वो हम आपको लाके दे देंगे, ठीक है ना। वो हम आपको बताएंगे कि ये ड्यू के लिए ये मांगा जा रहा है इसके लिए। इसके अलावा अगर आपके पास, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, ईसीसी का सर्टिफिकेट है, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आप नेशनल खेले हुए हैं स्पोर्ट्स में या किसी भी चीज में, तो वो सारे सर्टिफिकेट्स लगेंगे। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो वो लगेगा, उन सबके जो बेनिफिट्स होते हैं लेने के लिए, अगर नहीं देंगे तो आप नॉर्मल। दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं इसमें, ये जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर सर मैं ओबीसी से हूं, ईडब्ल्यूएस से हूं, और मेरे पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या मेरा कैंसिल हो जाएगा एप्लीकेशन? नहीं। अगर आप ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से, एससी एसटी से हैं, और अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप जनरल में काउंट किए जाएंगे, आपका एप्लीकेशन कैंसिल नहीं होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा कि हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है बच्चों, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। पर बेसिक इतने डॉक्यूमेंट्स हर यूनिवर्सिटी में चाहिए, और उसके बाद जो भी चाहिए होते हैं, एफिडेविट चाहिए, गैप सर्टिफिकेट चाहिए, ये सारी चीजें तुरंत बन जाती हैं 1-2 दिनों के अंदर। ये सारी चीजें आपको पहले से लेके रखनी पड़ेगी, जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम, इन सब में थोड़ा टाइम लगता है। 10th 12th का तो आपके स्कूल से तुरंत मिल जाएगा, आप नजदीकी स्कूल से में पढ़े होंगे तो वहां जाके ले लीजिएगा। ये डॉक्यूमेंट की रही जानकारी। अगली वीडियो में बात करेंगे, सर एग्जाम दे चुके हैं, खाली फील कर रहे हैं, क्या करें इन समय में। अगली वीडियो में अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, बताऊंगा कि इस समय का आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। ये जो आपके लिए 1.5-2 महीना आपका अभी गैप पीरियड होने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, आप अभी तक पढ़ते आए थे 8-8 घंटा, 10-10 घंटा हम लोग के साथ, अचानक से इतना आपको टाइम लग रहा होगा ना कि बीत भी नहीं रहा होगा, लग रहा होगा यार इतना समय कैसे गुजरेगा हमारा, ठीक है। लेकिन इन समय का बहुत पॉजिटिव यूज कर सकते हैं, अगर आप कॉलेज जा रहे हैं तो पहले से ही, ठीक है, कुछ चीजें करके। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि फिर से पढ़ाई करने को कहूंगा, आपको पूरा मौज करने का भी हक है, आप मौज भी करेंगे, ठीक है ना, पर वो एक पूरा प्लान आपको बताऊंगा इन 2 महीने आप क्या करेंगे जब तक आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता है। अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, डॉक्यूमेंट ये सारे बनवा लिए कि नहीं बनवा लिए कमेंट बॉक्स में बताना, अगर नहीं बनवाया है तो तुरंत जाओ अभी हर एक जगह स्कूल में, तहसील में, और बनवाना चालू कर दो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली पूरी काउंसलिंग प्रोसेस फ्री में आपको इसी सीयूटी के चैनल पे मिलेगी। हर एक चीज आपको बताई जाएगी, किस कॉलेज का, हर एक कॉलेज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जल्दी आपके लिए हर एक कॉलेजेस की डिटेल वीडियो भी आएंगी कि वहां पे कट ऑफ क्या जाता है, क्या नहीं, सारी चीजें आएंगी, ठीक है, कि पिछले साल क्या कट ऑफ रहा, क्या, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों।